तो गाइस अभी हम करने वाले PlayStation 4 का सेटअप, तो आप देख सकते हो वायर्स बीएस पैक्ड है। तो जो बिगनर्स हैं मैं उनको बताऊंगा कि आप PlayStation 4 कैसे सेटअप कर सकते हो, अपना कंट्रोलर कैसे सेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये एक HDMI केबल है जो ऑब्वियसली इसके पीछे लगेगी, तो हम जाते हैं इसके बैक साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो HDMI केबल है, HDMI का पोर्ट यहाँ पे HDMI आउट लिखा है, तो हम यहाँ पे HDMI केबल सिंपली अटैच करेंगे। तो ये उसकी HDMI केबल, इसको हम यहाँ पे कर देते जॉइन। तो ये हो गया इसका HDMI केबल जॉइन। अब यहाँ पे आती है हमारी पावर केबल, तो पावर केबल को हम ओपन करते हैं साइड रखते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। तो ये हमारी पावर केबल और इसे हम लोग यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो ये हो गया इसमें, तो हमारा काम बस इतना ही था। अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना है तो यहाँ पे आप लैन का प्लगइन देख सकते हो, तो यहाँ से आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। और ये इसकी HDMI केबल है जो जाएगी टीवी के पीछे। तो गाइज आपके टीवी के पीछे तीन पोर्ट्स हो गए या दो पोर्ट्स हो गए HDMI के, तो हम सिंपली इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास तीन HDMI के पोर्ट है, तो HDMI की केबल इनमें से एक पोर्ट में जाएगी। तो गाइज अभी मैंने HDMI केबल को फिक्स कर लिया है जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर, और अभी हम पावर ब्रिक को फिक्स करेंगे। तो गाइज ये PlayStation का पावर प्लगइन, तो अब हमने इसको सिंपली ऑन कर देंगे, लेकिन उसके साथ हमें टीवी का प्लगइन भी ऑन करना होगा। तो हमने टीवी भी ऑन कर लिया है और अभी हम करेंगे इसको ऑन। तो गाइज HDMI में जाने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो एक बटन है, तो आपने इस बटन को प्रेस करना है। ये बटन ऐसा वाइट कलर में शाइन करेगा। तो गाइज अभी हम सेटअप करेंगे PlayStation 4 का कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ ये USB केबल आती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो PlayStation में एक USB का पोर्ट है, तो इस पोर्ट में हम सिंपली इस केबल को ज्वाइन करेंगे किधर भी। तो ये हो गया इसमें, और ये जो पोर्शन है इसका, ये जो पार्ट है, ये रिमोट में आपको थोड़ा उल्टा करके डालना पड़ेगा, तो ये देख सकते हो यहाँ पे, और इसको यहाँ से कर देना है प्लग इन। तो जैसे ही आप इसको प्लग इन करोगे, देखो यहाँ पे कुछ ऑरेंज सी लाइट आएगी, मैं फोकस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑरेंज सा चालू हो जाएगा। और जब आप PlayStation को ऑन करोगे तो आपने सिंपली ये जो PS का छोटा सा बटन है इसको आपने प्रेस कर देना है, तो आपका कंट्रोलर पेयर हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने गाइस पेयर होने के बाद ये ऐसी ब्लू लाइटिंग दिखाएगा कि ये आपके PlayStation के साथ पेयर हो चुका है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं टेलीविजन स्क्रीन की तरफ, तो सिंपली आपने अपना टेलीविजन का रिमोट लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिमोट है टेलीविजन का, और सिंपली यहाँ से होम बटन, ये होम बटन है, तो यहाँ से हम होम पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम, इसका होम पेज आ चुका है, तो हम सिंपली ऊपर जाएंगे और यहाँ से जाएंगे इनपुट्स में। तो यहाँ पे है सिंपली HDMI 1 पे मैंने कनेक्ट किया है, तो मैं HDMI 1 पे जाऊँगा, HDMI 1 पे क्लिक करूँगा। तो अभी मैं आपको एक PlayStation 4 की डिस्क डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है GTA 5, तो सिंपली मैं इसकी डिस्क निकाल लेता हूँ। ये इसका इंटीरियर है, ये है GTA 5 की डिस्क, तो अभी हम इसमें प्लग इन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके साइड में एक बटन है, तो ये बटन डिस्क निकालने के लिए, और अगर आपको इसके अंदर डिस्क डालनी है तो आप सिंपली यहाँ पे एक स्पेस होगा, तो ये डिस्क अट यहाँ पे एक स्पेस होगा, तो सिंपली आपने इसे ऐसा प्लेस करना है और PlayStation इसे ऑटोमेटिकली अंदर ले लेगा। तो अभी हमने डिस्क भी डाल दी है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सेटअप फाइनली हो चुका है PlayStation का। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो कर देना लाइक, इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वो जो नोटिफिकेशन बेल है उसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय।